Congratulations, Mr. Shankar. Operation is successful. Thank you, doctor sir. लेकिन कब तक देख सकेंगे? यही दो हफ्ते के बाद पट्टी खुलेगी और वो देख सकेगी। डॉक्टर साहब मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर, लेकिन होश में आने के लिए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। जाइए जाइए। यार शंकर, जैसे अपन दोनों उल्टे बैठे हुए ना, वैसे ही अपनी किस्मत की गृह दशा उल्टी है। वो कैसे? देखना यार, वो मेरी जो है ना शीला, वो सीधी है, उसकी माँ उल्टी है, तेरी लड़की का दादा सीधा है और मेरी लड़की उल्टी है। तो अब जल्दी से उसे सीधी खड़ी कर दे। देख, उसका दादा जिंदा है, तब तक तू अपना काम बना ले, वरना सच्ची बोलता हूँ अपनी वही हालत हो जाएगी जो पहले थी। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। यार ये मन की आंखें छोड़, तू आशा की आंखों पर तेरे प्यार का पर्दा डाल दे, ताकि अपनी गरीबी का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाए। तो पर्दा डालना ही पड़ेगा सुंदर। ना तुझसे दूर जा सकूं, ना तेरे पास आ सकूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। ना तुझसे दूर जा सकूं, ना तेरे पास आ सकूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। शुक्रिया अदा करूं, चुप रहूं गिला करूं, शुक्रिया अदा करूं, सोचता रहा करूं, क्या करूं मैं क्या करूं, ना अपना गम छुपा सकूं, ना अपना गम सुना सकूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। सितम है मेहरबान, आ गया हूँ मैं कहाँ, क्या सितम है मेहरबान, आ गया हूँ मैं कहाँ, खूब है ये दास्तां, है तेरा वो आस्तां, ना जिस पे सर झुका सकूं, ना जिससे सर उठा सकूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ शंकर हो, मदन का सॉन्ग रचने के लिए रखे गए हो। आइंदा अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तुम क्या निकलवाओगी मैम साहब, मैं खुद जा रहा हूँ। तुम भी कान खोल कर सुन लो, फिर मेरे पास रोती बिल बिलाती अपने ग्रैंडपा की जान की दुहाई देती हो मत आना। हाँ हाँ नहीं आऊंगी, चले जाओ यहाँ।
आशा दीदी। अंकल आप? मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या? तुम शंकर को रोको। नहीं डॉक्टर अंकल, अब उसे जाने ही दीजिए। मैं ग्रैंडपा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुमने ग्रैंडपा से झूठ बोला, बुरा किया। अब उन्हें सच बताओगी तो और भी बुरा करोगी। उन्हें ये बताने से फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन कब तक इस झूठ पर पर्दा डालती रहूं? कब तक उसकी सब बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहूं? बताइए, आप ही बताइए। जब तक ग्रैंडपा खतरे से बाहर न हो जाए, वरना झूठ के पाप से तो तुम बच जाओगी लेकिन ग्रैंडपा से हाथ धो बैठोगी। आपके बाथरूम का दरवाजा एक ही आदमी खटखटा सकता है, आपका डार्लिंग मदन मल्होत्रा। फटाफट बाहर आइए। मैं नहा रही हूँ, अभी बाहर नहीं आ सकती। आप प्लीज फौरन यहाँ से चले जाइए। जल्दी से बाहर आओ वरना मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ठहरो बाबा, ठहरो, आती हूँ, आती हूँ बाबा। बाहर आइए। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं ना। हम कोई गैर नहीं है, बाहर आइए, तशरीफ ले आइए। अच्छा बाबा। लगता है पहलू में आग लग जाएगी। देखिए नकली ही सही, थोड़ा हमारा भी तो हक है। सुनो क्या है? गर्म होने की जरूरत नहीं मैम साहब, जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। ग्रैंडपा चाहते हैं हम दोनों फार्म पर चले जाएं। फार्म पर चले जाएं? वो किस लिए? इसलिए कि हम चाहते हैं। मैं और अकेली फार्म पे जाऊं? अकेली क्यों मैम साहब, आपके साथ 5'11" का मदन मल्होत्रा भी जा रहा है। मैं और मिस्टर मदन मल्होत्रा के साथ अकेली फार्म पे जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। ए मैम साहब, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से आपको वहां जाना ही पड़ेगा जहां हम चाहेंगे। सोच लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बिग शॉट। आइए आशा दीदी जी। चलो सामान उतारो, जल्दी करो। जवाब नहीं बुढ़े का, दिल भी असली, दारू भी असली, दामाद भी असली। हम पर भरोसा किया है तो दगा हम भी नहीं देंगे। नकली होते हुए असली से बेहतरीन काम करके बताएंगे। हाय, आइए। तो हम आ जाते हैं। गेट लॉस्ट। बड़ा पैक। शट अप। सोडे के साथ। मेम साहब गरम पानी। गरम पानी के साथ पिएगी? हुजूर नहाने के लिए। गरम पानी से क्यों अपने नाजुक बदन को जख्मी कर रही हो? एक नीट मार लो, थकावट दूर हो जाएगी। तुम अपनी थकावट की फिक्र करो जरा। अपनी फिक्र करने वाली तो अपनी मुट्ठी में है। मेम साहब जरा यहां तशरीफ लाओ और हमारे जूते उतार दो। क्या कम सुनाई देने लगा? जूता खोलो। क्यों जूता खाने की बात करते हो? मैम साहब गुस्सा खाने का हक तुम्हारा नहीं, हमारा है। खाना तैयार है हुजूर। तुम्हें किसने बुलाया है? जाओ यहां से, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। तखलिया। शरीफ लोगों के साथ उठने बैठने का चांस मिला है तो शराफत भी सीखो। आइंदा नौकरों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारा दम निकाल दूंगी। हाँ, हमारा दम निकाल कर आप ही का नुकसान होगा मेम साहब। तीसरा मदन कहां से लाओगी?
ठीक है, हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है, हम काम घटिया करते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इस वक्त हम तुम्हारे वो हैं, यानी कि तुम्हारे मदन मल्होत्रा, और मदन मल्होत्रा होने के नाते हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि प्रिय, इस दारू को शरबत समझकर एक घूंट में पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। क्या समझते अपने आप को, मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूंगी? तुम क्या हो और कहां से आए हो, अपनी औकात मत भूलो। हम अपनी औकात नहीं भूले हैं मैम साहब, आप हमारी दी हुई शर्तें भूल रही हैं, और शर्तें याद दिलाने का तरीका हमें आता है। हेलो, ग्रैंडपा को बुलाओ। हम घटिया आदमी हैं, हमारी जात घटिया है, तो फिर हमारे काम घटिया है। नहीं, अंदर चलो, चलो अंदर, दो गिलास उठाओ। Cheers. पहले पैर में थोड़ी तकलीफ होती है हमेशा। अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और क्यों जबरदस्ती पिलाना चाहते हो, लेकिन याद रखो, शराब पिलाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। चीयर्स, चीयर्स।
अरे जा 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 रे जा, अरे जा जा रे जा। बैठिए शंकर, कल रात तुम रात गई बात गई, चाय पियेंगी आप? बगुमत शंकर, मैं पूछती हूँ कल रात तुम कहाँ सोए थे? तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, समझ लो यहीं कहीं सो गया हूँगा। लेकिन ये कपड़े? अरे पहन तो रखे, क्यों ये स्टाइल पसंद नहीं आप? बनो मत शंकर, तीन साल से मेरी बात का जवाब देते हो या नहीं? चीखो मत, यह हक मेरा है। ज्यादा आवाज की तो ग्रैंडपा को टेलीफोन कर दूंगा। मुझे ग्रैंडपा की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझते हो? चलो मेरे साथ। अच्छा ये बात है, मेम साहब शादी के इतने शौक था तो मुझे इशारा कर दिया होता, जय माला मैं तुम्हारे गले में डाल देता। भाड़ में गई शादी, शंकर भगवान के सामने कसम खाकर कहो कि रात तुम, कि रात तुम मेरे साथ नहीं थे। ये कैसे हो सकता है, भगवान की झूठी कसम मैं नहीं खा सकता, रात को तो मैं तुम्हारे साथ ही था। क्या? मेरा मतलब है कल रात तुम सोए कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे पास सोया था, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? मैं पूछती हूँ तुमने मेरी बेहोशी का कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया? देखिए जिंदगी में एक दूसरे का फायदा तो उठाना ही चाहिए, और फिर हम तो आधे पति पत्नी हैं। शंकर डार्लिंग इतना गुस्सा क्यों करती हो, बाकी आदमी जल्दी बन जाएंगे। शट अप, तुम्हें भगवान की सौगंध, प्लीज मुझे सच सच बता दो। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं तुम्हें तन मन धन से अपनी पत्नी मान चुका हूँ। चलो ये खुशखबरी ग्रैंडपा को भी सुना दे। शंकर हाँ, ये खुशखबरी जाकर सबको सुना दो, जाकर कह दो दादू से
कि तुमने मेरे साथ कितना अच्छा सुलूक किया है। सुना दो दुनिया वालों को कि आज तुमने कितनी मर्दानगी का काम किया है। सारे जहां से जाकर कह दो कि आज तुमने एक मजबूर, एक बेसहारा और बेहोश लड़की का फायदा उठाया है। शंकर, तुमने मुझे कहीं का ना रहने दिया, मुझे कहीं का ना रहने दिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती शंकर, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आशा दीदी जी, दीदी जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे। आप गलत कर रही हैं। कपड़े तो मैंने बदले थे साहब के कहने पर। क्या? हाँ बीबी जी। तो फिर साहब, साहब कहाँ सोए थे? हॉल में। हॉल में? भगवान, तू तो जानता है मैंने जो कुछ किया है हालात की मजबूरी में किया है। मैं नहीं जानता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब मैं आशा की जिंदगी से चला जाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान। डायग्नोसिस सही है। सर पर सख्त चोट आने की वजह से यह एक सीरियस कंकशन केस है। डॉक्टर सैन, आपका कहना सही है। 16 घंटे के अंदर अंदर यानी कल सुबह 4 बजे तक अगर होश नहीं आया तो पेशेंट की जान का खतरा है। नाउ लेट अस डिस्कस द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने क्या कहा बेटी? डॉक्टर कहते हैं कि मदन की हालत बहुत सीरियस है। घबराने की कोई जरूरत नहीं,
इसकी जान खतरे से बाहर है। ये सब तकलीफ तुम क्यों कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। लो अब ये कुर्ता पहन लो। चलो अब आराम से लेट जाओ। नर्स साहब के लिए दवा ला। तुम्हारे लिए अभी जूस बना कर लाती हूँ। ले लीजिए दवाई। आपकी शादी मिस आशा से होने वाली है ना? जी हाँ। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। आपकी बीमारी में जिस तरह मिस आशा ने आपकी सेवा की है, ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। आइए ग्रैंडपा। आप तबीयत कैसी है मदन? अच्छा हूँ आपके आशीर्वाद। मदन आज तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब तुम लंदन से आशा को चिट्ठियां लिखा करते थे ना, तो मैं चुपके चुपके तमाम चिट्ठियां पढ़ लिया करता था। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि तुम एक बेकार आवारा किस्म के लड़के हो। मेरी बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसा कर मेरी तमाम दौलत हड़प करना चाहते हो। मदन ये तब की बात है जब तुम मिले नहीं थे। मिलने के बाद तो तुमने मेरा मन ही जीत लिया। अब इस जिंदगी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर आशा को बचाया। मदन तुम इंसान नहीं देवता हो। इंसान नहीं देवता हो। शंकर विजय अबे अंदर आ जा। अरे शंकर के बच्चे 6 दिन हो गए शिमला से आए हुए, तेरा कोई ठिकाना है? विजय क्या बताऊं, ड्राइवर गाड़ी चलाना। सुनाओ यार कैसे हो? ठीक हूँ विजय। तुम कहाँ हो आजकल? वहीं सरसिल होटल में, आजकल वहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। यार कमाल है, तुम तो आजकल खतवत भी नहीं लिखते, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा आजकल, तो दिमाग भी नहीं चल रहा। विजय बॉम्बे रास नहीं आई। क्या कहते हो, बॉम्बे शहर में तो लोग खाली झोली आते हैं और लखपति बन जाते हैं, चांदी को तरसने वाले हीरे पहनने लगे। तुम ठीक कह रहे हो विजय, लेकिन मैं इतना खुश नसीब नहीं। हीरे तो मेरी झोली में भी गिरे थे, उठाने गया तो हाथ पत्थर के हो गए। क्या बात है, बड़े निराश लगते हो। हाँ विजय मैं शराब सेट हूँ और बम्बई छोड़ के कहीं चला जाना चाहता। अगर यही बात है तो तुम मेरे साथ शिमला चले चलो, कहीं होटल में नौकरी तो दिलवा सकता हूँ। सच? हाँ भैया जरा गाड़ी रोकना। अरे क्यों क्यों?
तुम चलो विजय, मैं कल की गाड़ी से शिमला पहुंचूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। कंकर कांटा लगे ना कंकर, मुझे तो कंकर क्या पत्थर लग गया यार। तुम तो जा रहे हो, क्या उम्र भर मुझे बच्चे को इस तरह दूध पिलाना पड़ेगा? गंगा बहन दो चार दिन में आ जाएगी। वो तो आ जाएंगी, लेकिन मुझे सर मुंडवा कर हरिद्वार जाना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से तुमने एक मुर्गी फांसी थी, जब उसके हलाल करने का समय आया तो तुम वेजिटेरियन बन गए। मुर्गी फांसते फांसते तुम खुद फंस गए। ठीक है यार, प्यार में ऐसी होता है। लेकिन शंकर तुम तो जा रहे हो, हम लोगों का क्या होगा? बंदोबस्त होते ही मैं चिट्ठी लिख लूंगा, सबको लेके आ जाऊंगा। ठीक, आने से पहले मैं उस बंदूक वाली की बंदूक ठीक करके आऊंगा। ये बेटा भैया को सैसल होटल में नौकरी मिल गई है। वो आज सुबह की गाड़ी से शिमला चले गए। शिमला चले गए? नहीं शंकर, ऐसा नहीं कर सकता। शंकर मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। वो दूसरों के लिए चोर, बदमाश, जालसाज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो देवता है। अगर वो चाहता तो मेरी सारी दौलत लूट सकता था, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया इसलिए कि वो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है। हाँ। क्या बात है, बोलो। बहुत बहुत अच्छे मौके पर आपकी रिहाई हुई। क्यों? इसलिए आपकी सोने की चिड़िया आपके हाथों से निकलती नजर आ रही है। क्या मतलब? आशा और उसके ग्रैंडपा शंकर के पीछे पीछे शिमला चले गए। मामला बहुत संगीन है, हमें जल्दी करना चाहिए। चलो। डॉक्टर, अंदर जाकर पता करो मदन है या नहीं। डॉक्टर अंकल, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप ठहरिए ना, मैं जाकर पूछ के आती हूँ दादू। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मिस्टर शंकर आने वाले थे, वो आ गए। शंकर? ओह यस, ही इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट। आपके कमरे की चाबी। दादू मदन अभी तक आए नहीं, लेकिन आज ही आने वाले हैं। मैंने कहा था ना, बच्चू बचकर जाएगा कहा। अच्छा आप चलकर आराम कीजिए, बहुत थक गए होंगे। मैं जरा घूम के आऊँ। मैं जानता हूँ किसका इंतजार है। दादू प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। डॉक्टर साइन करो। तेरा इंतजार, आ जा
छल कपट की बेड़ियां डालने चली आई? नहीं शंकर, अब मेरा प्यार तुम्हें छल और कपट पर मजबूर नहीं करेगा। मैं तुम्हें मदन नहीं, शंकर के असली रूप में दादू के पास ले जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं आशा, जब उन्हें पता चलेगा तुम एक चोर बेईमान जेब कतरे से प्यार करती हो, जो मदन बनकर आज तक उनकी आंखों में धूल झोंकता रहा, तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? नहीं आशा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे ग्रैंडपा इस मिलाप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सब मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ शंकर, अब मेरा समाज, मेरी दुनिया सब तुम पर आकर खत्म हो गई है। ये जज्बात की उठती हुई लहर है आशा, जिस दिन हकीकत की चट्टान से टकराएगी खत्म हो जाएगी। उस दिन वही करोड़पति की पोती आशा होगी और वही गरीब शंकर। तुम सिर्फ इसलिए मुझसे दूर रहना चाहते हो कि मैं अमीर हूँ? रुपया, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। तुम्हारे साथ गरीबी में रहूंगी तो मर जाऊंगी। ओ शंकर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा भी तो नहीं रह सकती शंकर। शंकर, शंकर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो नहीं शंकर, तुम मुझसे इतना बड़ा मजाक मत करना शंकर, भगवान के लिए। शंकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वेल डन, वेल डन। वाह वाह साहब, आप किसी रोमांटिक हीरो से कम एक्टिंग नहीं करते। आपकी तारीफ। बता दो डियर, अपना नाम भी तुम्हारे होंठों से सुने में बहुत देर हो गई। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं मदन। मदन? ओ, तो आप हैं मिस्टर मदन? जी, मदन मल्होत्रा। मेरा ख्याल आप नकली मदन की कोई जरूरत नहीं, क्यों आशा? लेकिन मेरी गैरहाजिरी में जो आपने हम दोनों की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एक्टिंग आप काफी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन असल और नकल की आपको बिल्कुल तमीज नहीं। आइंदा से ख्याल रहे कि ड्रामे और हकीकत में काफी फर्क होता है। आवाज़ मत छुओ मुझे मदन। ओ कम ऑन बेबी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलो आप अपने मदर को माफी कर दो। आओ कम ऑन। मल्होत्रा साहब, बड़े बदतमीज हैं आप। राज, ले जाओ इन दोनों को। मैं जरा अपने होने वाले सुसर से मिलके आता हूँ। सुबह से गई हुई आशु अभी तक वापस नहीं आई, और अब वो आएगी भी नहीं। कौन है तुम? Allow me to introduce myself, grandpa. मैं मदन हूं, मदन मल्होत्रा। मदन मल्होत्रा, ये क्या बकवास है? मदन मेरा होने वाला दामाद है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तुम कैसे मदन हो सकते हो? जिसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर है, एक बदमाश, लोफर, लफंगा। खामोश! अगर एक भी लफ्ज और कहा तो। ठीक कह रहे राय साहब, इसे आप मदन समझ रहे हैं वो दरअसल शंकर ही है। जी हाँ, मैं मदन ही हूँ, और इसका सबूत याशा का खत है। इसे पढ़िए। तुम्हारे नाने की वजह से मैंने एक आदमी को मदन बनाकर पेश कर दिया है। ग्रैंडपा ने मेरी सगाई उस आदमी से कर दी है। ग्रैंडपा को हार्ट अटैक होने की वजह से मैं उन्हें सच सच नहीं बता सके। तुम जल्दी आ जाओ। तो ये बात, आशु कहाँ है और वो कमीना शंकर कहाँ है? शंकर की नजर आपकी दौलत पर थी। मेरे वापस आते ही उसको अपना खेल खत्म होते हुए नजर आया और उसने आखिरी दांव खेला। आखिरी दांव क्या? शंकर आशा को बहकाकर जबरदस्ती भगा ले गया। उस कमीने की ये मजाल। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप ग्रैंडपा? अगर आपने पुलिस को केस दिया तो जानते हैं क्या होगा? सारे मुल्क में खबर फैल जाएगी, राय बहादुर की पोती एक बदमाश के साथ भाग गई। लेकिन मेरी आशु का क्या होगा? उसे बचाकर ले लो। नहीं नहीं, मैं अपनी आशु के लिए इतना रिस्क नहीं लूंगा। मैं प्लीज ग्रैंडपा, जितनी मोहब्बत आप आशा से करते हैं उतनी मैं भी उससे करता हूँ। आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी उसे उस बदमाश जलील कमीने के शिकंजे से बचाकर आपके पास सही सलामत लाऊंगा। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, आप ग्रैंडपा का ख्याल कीजिए। ओके। डॉक्टर, शंकर जैसा लड़का एक आवारा बदमाश के पास निकले, अब भी दिल यकीन नहीं करता। मुझसे शादी नहीं करोगी? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना, मैं शंकर के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मदन की शादी तो हर रात होती है, लेकिन तुमसे सिर्फ तुम्हारे दादा की दौलत के लिए शादी कर रहा हूं। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगी और जरूर करोगी। Ah!
बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, मगर याद रखो जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं, और अगर तुमने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम्हारे शंकर की मौत होगी। विजय देखो मेहमानों के खाते में कोई कमी न रह जाए। ये तो जल्दी जल्दी मैं सिर्फ शादी की रस्म पूरी कर रहा हूँ, रिसेप्शन तो मैं घर पर जाकर दूंगा, वो रिसेप्शन होगी तो दुनिया देखेगी। श्रीमान जी दूल्हे को बुलाइए। देखो प्यारे क्या बदतमीजी। मोहन की आवाज। अरे बाप रे, चश्मे ने धोखा दे दिया, मुझे बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता। सुंदर ये तो उसी जालसाज शंकर का दोस्त है। मोहनलाल निकाल दो इस कमीने को बाहर यहाँ से। हाँ ये तुम ही हो, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज से और तुम्हें छूकर ही पहचानती रही हूँ, आज भी मुझे धोखा नहीं हो सकता। तुम मोहन हो। मैं मोहन नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। मोहन मुझ पे तरस खाओ, क्या तुम इस बच्चे के बाप नहीं? मैं कुछ नहीं जानता। दादू सुन लीजिए क्या कह रही है। बोलो गंगा। इनका असली नाम मोहन लाल है, इन्होंने मेरी दौलत के लालच में मेरे अंधेपन का फायदा उठाते हुए मुझसे झूठी शादी का ढोंग रचाया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। कितनी खतरनाक औरत है, अपने पाप मेरे से मान रही। अरे झूठों के बादशाह, ये तुम्हारे पाप को पुण्य बना रही है। गंगा, गंगा जो कुछ कह रही है सच कह रही है, ये सब कुछ मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। आशा तुम भी बदमाशों की जान में आ गई हो, ये मौका इन लोगों की बातों पर ध्यान देने का नहीं। पंडित जी आप अपना काम जारी रखिए, बैठो आशा। ये मामला काफी गंभीर है, जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं कर लूंगा ये शादी नहीं होगी। खामोश, पहले शादी होगी फिर तुम अपनी तसल्ली पूरी करते रहना, अगर कोई भी यहाँ से हिला तो मैं गोली मार दूंगा, समझे? पंडित जी तुम शादी की रस्म पूरी करो। Thank you.
समझे? जाओ। पति हैं मेरे बच्चे के पिता। क्या ये सच है? बोल। आशु, आशु। दादाजी तुम दोनों ठीक तो हो ना? ठीक हूँ दादाजी। आशु तुम्हें चोट तो नहीं है? आप आशा को वापस बम्बई ले जाइए। अच्छा बच्चू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब तो तुम्हें उम्र कैद मिलेगी। क्यों आशु? जी नहीं, मैं आशा के काबिल नहीं हूं। एक चोर, बदमाश, पॉकेट मार का घर आप जैसे शरीफ आदमी का नहीं हो सकता। मेरा घर तो जेल है। शंकर, अगर तुम अपने आप को कानून की नजर में गुनाहगार समझते हो और इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़े, लेकिन हमारे दिलों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं। वो तो ठीक है ग्रैंड पापा, लेकिन शंकर तू अकेला जेल नहीं जाएगा। तेरे साथ मैं भी पॉकेट मारा करता था, मैं भी तेरे साथ जेल जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर तेरे को भी हमारे साथ चलना है तो दो चार मार दे। हाँ मदन, माफ कर दो। चलो इस तरह। किधर? तुझने थोड़ी भी शराबत नहीं। अरे हट जा जा रे जा, अरे जा 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 रे जा, अरे जा 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 रे जा, अरे हट जा।